लगातार डिबेट कर रहे हैं और आज का विषय है, हम वैसे जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, समाज में जो मुद्दे हैं उनसे उनको हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं और उन अधिकारियों तक जो इन पर कार्य करते हैं। कहते हैं कि सब हम बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक को जलाते हैं, क्या जो रावण के पुतले को जलाते हैं क्या उनमें रामचंद्र जी जैसे क्या गुण है, या वो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, क्या वो इतने सच्चे हैं कि रावण के पुतले को जला सके। पत्रकार आपसे ही मैं मुखातिब हूंगा, आप बताइए कि क्या इस तरह के कृत्य उसी बंदे को करने चाहिए जिसमें ये गुण हो, या कोई भी कर सकता है। देखिए मैं आपको पहले आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे के लिए मुहिम उठाई है आपने, क्योंकि आज जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। रावण विद्वान होने के साथ साथ भी परम ज्ञानी भी थे, वो उनको पता था कि मेरे परिवार का उद्धार इसी प्रकार से होना है, राम जी के हाथों से ही होना है राम जी। उसके बावजूद भी राम जी बार बार जब अंतिम समय आया तो लक्ष्मण जी को भी उन्होंने कहा कि आप जाइए इनसे कुछ ना कुछ ज्ञान लीजिए, सीख के आइए, ज्ञान की बात कही थी उन्होंने। तो जी, उस ज्ञान की बात यहाँ पर क्यों नहीं ले पाते ये लोग, जितने भी लोग यहाँ पर रामलीला देखने आते हैं, क्या उनमें एक भी गुण रावण का जाता है उनके अंदर? मैं पूछना चाहूंगा, आप सभी विद्वान मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्या वो रावण की किसी भी विद्या को ले पाया आज तक? क्या राम जी के पद चिन्हों पर चल पाया आज तक कोई? मैं तो नहीं जानता। एक अभी बहुत ही बड़ा इशू उठा था जो कि इंद्र देव महाराज जी के द्वारा कुछ रामलीला पे अब सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया था, उसमें बड़ा पवंडर भी हुआ। क्या इस चीज पर आप लोग और हम लोग एक मुद्दा नहीं बना सकते? मैं हरियाणा जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा जी, क्या इस चीज पर हम लोग एकजुट होकर के, अन्य समाज भी है इसमें कोई भी हो अन्य समाज, क्या इसकी मुहिम नहीं चालू कर सकते हैं? देखा गया है कि रावण के पुतले के दहन के समय पर कई ऐसी अप्रिय घटनाएं घटी हैं, बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं उन्हीं को लेकर के, और प्लस रावण जैसे विद्वान, क्योंकि रावण को एक बहुत विद्वान प्रकांड पंडित माना जाता था और उसको दशानंद इसलिए भी कहते थे कि दसों दिशाओं का उसको ज्ञान था। जुड़े हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं संजय हरियाणा जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मेरे साथ हैं चंद्रमोहन दीक्षित जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और मेरे साथ हैं कुलदीप सारस्वत जो एक लेखक हैं और समाज में चेतना लाते हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आज का डिबेट आपने सुनी लिया होगा किस विषय पर है। मैं सर्वप्रथम, क्योंकि आज का जो विषय है वो सारस्वत समाज से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ है, लगभग सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं सारस्वत जी से ही डिबेट की स्टार्टिंग करता हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं सभी को मेरा नमस्कार, संजय हरणा जी को भी, वरिष्ठ पत्रकार भैया को भी और दीपक सारस्वत भैया को भी, कि हम एक तो सारस्वत ब्राह्मण है पहली चीज तो, दूसरा हमारे रावण जो है महावंशज है ऐसा हम लोग मानते हैं कि हमारे वंशज हैं वो, और तीसरी बात अगर वंशज को भी हम साइड में रख दें तो उस जैसा परम ज्ञानी जिसका नवग्रह इसके यहाँ बने रहते हो, शनि जैसे महाप्रक्रम उनके यहाँ रहते हो, ऐसे महान व्यक्तित्व ज्ञानी पंडित का अगर पुतला दहन किया जा रहा है तो मैं नहीं मानता कि हम ये सही कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रावण जो था महाप्रक्रमी तो था ही था, महाज्ञानी था, उसने अपने पूरे परिवार विनाश आया, क्योंकि वो जानता था मैं इतना राक्षस प्रवृत्ति का हूं कि अगर राम जी के सामने जाकर के अगर मैं अपने प्राणों की और अपने परिवार को स्वर्ग पहुंचाने की अगर मैं कहता हूं तो राम जी इस कार्य के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने उनकी त्रिया का हरण किया। लेकिन आजकल क्या है, हमारे समाज में इस चीज को नकारात्मक रूप से देखा जाता है, रावण को इतना बुरा इसलिए कहा जाता है कि रावण जी ने राम की त्रिया का हरण किया, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि राम को त्रिया को हरण करने का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण था अपने परिवार को एक अच्छे मोक्ष की प्राप्ति कराना, इसलिए रावण इतना ज्ञानी था कि उसने सबसे पहले अपने पूरे परिवार को राम जी के हाथों मरवाया और उसके बाद में आखिरी में अपने लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। दूसरी, जैसा कि हमारे सारस्वत जी ने बताया कि प्रकांड पंडित थे,
और कहावत है कि जो हमारे वेद पुराण है उनमें भी वर्णन है कि अगर किसी का एक बार दाह संस्कार कर दिया जाए, गोलोकवास हो जाता है, तो उसका प्रतीक बार बार नहीं जलाया जाता। संजय हरियाणा जी, क्या कहेंगे आप ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के? देखिए, आपने जिस मुद्दे को छुआ है, प्राचीन काल से ये चीजें चली आ रही हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो किसी समाज से जुड़ी हुई चीज है, बुराई पर अच्छाई के जीत रूप में हम उसको मनाते हैं, लेकिन उसको सांकेतिक तौर पर भी हम रामलीला मंचन के तौर पर मना सकते हैं। किसी समुदाय विशेष को, समाज विशेष को बुरा भी ना लगे, रावण अपने आप में इतने ज्ञानी थे कि आपने भी बताया कि जब राम जी ने राम सेतु बंध का पूजा सेवा की थी, तो भी उनको आचार्य के रूप में जिसकी जरूरत पड़ी वो रावण ही थे, प्रख्यात ज्ञानी। तो जब इतने प्रख्यात ज्ञानी को भगवान राम को बनाना पड़ा, क्योंकि दोनों ही सबके भक्त थे, और मैं आपको बता दूं, शिव जी ने ही रावण का नाम रावण रखा था। ऐसे प्रख्यात ज्ञानी जिनमें सैकड़ों गुण, लेकिन दो अवगुण थे, वो दो गुण अवगुण उनको ले डूबे थे, एक अहंकार और एक उन्होंने माता सीता जी का हरण किया था। तो निश्चित तौर पर जो गलत करता है आज के दौर में करे, चाहे पहले दौर में है, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, ये सब मानते हैं। लेकिन समय के साथ में, अभी कुछ वर्ष पूर्व मुझे याद है, ओम वीर सारस्वत जी ने एक मुकदमा भी शायद कोर्ट में दायर किया था। अब उस कोर्ट के मुकदमे में क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। उन्होंने मुकदमे के माध्यम से भी इस पर रोक लगाने की मांग की थी, और शायद वो मुकदमा अभी भी पेंडिंग है। हमें सांकेतिक तौर पर जो लीला होती है वही प्रयास करना चाहिए, और वही सुंदर और ये जो है कार्य अच्छा भी लगेगा जनता को, क्योंकि रामलीला मंचन पूर्व में भी होता है, रावण वध और उसको जो आग लगाते हैं वो निश्चित तौर पर बंद होना चाहिए। आज का जो ओमवीर सारस्वत जी का जो संदेश था वो भी यही था कि भाई आप राम रावण का पुतला बनाकर दहन करते हो, ले मंचन तक ठीक है ये चीज, लेकिन आप एक ब्रह्म हत्या के पाप के बागी भी बनते हो। उनका जो कहना था कि आप रावण का पुतला नहीं दहन कर सकते क्योंकि वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण की हत्या हर किसी के बस की नहीं। भाई आप एक तरह से जब आग लगा रहे हो किसी में, तो कौन हो गए आप एक हत्यारे हो गए, आपने किसी का वध किया तो आप पर ब्रह्म हत्या लगी। जब रामचंद्र जी भी रावण को मार करके आए थे, वध करके आए थे, तो उन्होंने भी अपनी ब्रह्म हत्या, उन्होंने भी कहा था कि मैं ब्रह्म हत्या का वो पाप का भागी बना हूं, तो उन्होंने भी आकर के ब्रह्म भोज कराया और अपने पाप के लिए यज्ञ वगैरह किया। तो क्या पहली चीज तो किसी पुतले को आप जिसके प्रति कहते हैं कि सब हम बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक को जलाते हैं, क्या जो रावण के पुतले को जलाते हैं क्या उनमें रामचंद्र जी जैसे क्या गुण हैं, या वो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, क्या वो इतने सच्चे हैं कि रावण के पुतले को जला सके? मैं तो आपको रोकूंगा, मैं कहूंगा कि वो ये कहते हैं कि साहब सीता जी का हरण किया इस बात पर, सिर्फ हरण, लेकिन यहाँ तो साक्षात सीता रूपी हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, क्या किसी एक इंसान का पुतला फूंका समाज में? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जब सत्ययुग द्वापर त्रेता में एक रावण ने सीता का हरण किया, और जब सीता का हरण किया तो यहाँ पे नहीं, यहाँ तो आए दिन हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सीता जी उनको सीता को मिलता है, उस पर क्या करता है कोई समाज? ना समाज करता है। सीता जी को रावण सरकार का मोहबंद हो जाता है, अगर कोई गलत बहन बेटी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उस पर तो सभी नेता आ जाते हैं, प्रतिनिधि आ जाते हैं। अगर कोई सर्व समाज में अगर किसी बहन बेटी के साथ में कोई घटना हो जाती है, क्या कोई समाज उठ के आता है? क्या कोई नेता बोलता है? आए दिन यही घटना हो रही है, इस घटना पे तो कोई भी नहीं बोल पाता है। सबसे बड़ी बात, मैं बीच में एक मिनट बोलना चाह रहा हूँ बस, कि जो रावण दहन होता है, चलिए मैं कहता हूँ कि सीता जी कारण क्या, बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं इस पर कि उन्होंने गलती की, उस गलती का पश्चाताप उन्हें भुगतना पड़ा, वो बार बार उसी गलती का लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी स्त्री का हरण करोगे तो यही आपके साथ भी होगा। जो बड़े बड़े प्रचंड विद्वान बार बार चीज को कहते हैं, हम जब बातें करते हैं उनसे भी पूछते हैं, भाई एक बार उनका
वध हो गया तो बार बार वध की परंपरा क्यों चलती है? अच्छा दूसरा दीक्षित जी, मैं आपको रोकूंगा यहीं पे। वक्ता होते हैं वो यही कहते हैं कि इस प्रकार के कृत्य ना किए जाए, ये समाज को संदेश दिया जाता है। क्या वो समाज को संदेश और कुछ नहीं दे सकते इसके बारे में? नहीं, दूसरी बात यह है कि सीता जी का जब हरण करके ले गए रावण जी, तो रावण ने सीता को कभी भी स्पर्श नहीं किया है। जब स्पर्श नहीं किया आज के समय में तो स्पर्श नहीं किया, और अशोक वाटिका में उन्होंने उनको संवेदनशील तरीके से सम्मानित रूप से रखा, और वो जब तक रखा था। आज के जो लोग हैं क्रूर प्रवृत्ति के, वो ले जाते हैं स्त्रियों को उठा करके, उनके साथ क्या क्या अन्य कृत किए जाते हैं, क्या रावण से ये सीख नहीं देनी चाहिए? चलो वो उठा के ले गए, हरण करके ले गए, पर उन्होंने कोई भी सीता जी के साथ आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको, वो लंका की सबसे, सुनिए सुनिए दीक्षित जी, नहीं हमने तो देखा नहीं कहीं वेदों में कोई चीज लिखी हुई है कि सीता जी के साथ उन्होंने कोई गलत काम किया। आज के जो आज रावण रूपी नहीं कहेंगे उनको, जो लोग बार बार कहते हैं कि जो रावण रूपी रूप लोग हैं जो स्त्रियों का हरण करते हैं, उनके साथ गलत कृत्य करते हैं, रावण ने कोई भी गलत कृत्य नहीं किया सीता जी के साथ। तो एक गाना भी आता ना कि घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब तो पहले तो द्वापर सत्ययुग में एक ही रावण था और एक ही राम थे, लेकिन आज के समय पे तो घर घर रावण बैठे हुए हैं। हमारे समाज में इतने घिनौने कृत्य हो रहे हैं जिनका कोई कर्म नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं आपकी इस मुहिम में शामिल हूं, और ओम भी स्वारसत जी से मेरी पूर्व में चर्चा हुई थी, उसके बाद 20 साल से मैं ये रावण वध देखने नहीं गया हूं। आज तक 20 साल हो गए, करीब 22 साल हो गए होंगे। एक मैं दूसरी बात कहता हूं, आज भी मैंने एक पोस्ट डाली है कि अपने भीतर के रावण को मारिए, जब तक आप अपने भीतर के रावण को नहीं मारेंगे तो बुराई को अच्छाई के रूप में, ये जो हम प्रतीक के रूप में जलाते हैं ये सब बेकार है। जब हम पुरानी चीजों को, एक सेकंड में पूरा कर दूं, संविधान में जब हम बदलाव की बात करते हैं और संविधान उसके अनुरूप जो कुप्रथा देश में चल रही थी, जब हमने सती प्रथा को बंद कर दिया, धारा 370 को हटा दिया, तीन तलाक जैसे कानूनी मुद्दे जो कि इस कदर वो तो मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे, उनको हटा दिया, तो ये तो प्रख्यात पंडित से, महापंडित से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो ये ब्राह्मण से जुड़ा हुआ वो वह विषय, तो इस पर क्यों नहीं हम लोग एक होकर विषय रखें और सरकार के समक्ष जाएं और कहें कि कम से कम रावण दहन जैसा कार्यक्रम बंद होना चाहिए। मैं आपके साथ तन मन धन से इसमें खड़ा हूं, जहां मेरी आवश्यकता हो मैं और मेरा संगठन तैयार है। रावण के जो अच्छे कर्म किए, उन्होंने तपस्या की, उसके बारे में उन्होंने किस प्रकार से शक्तियां प्राप्त की, उस चीज को क्यों नहीं दिखाया जाता है? राम जी के चरित्र जो दिखाया जाता है, चरित्र पर कितने लोग चल पाते हैं? मेरे को तो नहीं लगता एक भी लोग चल पा रहा हो आज के समय पे। रामायण को सब मानते हैं, माता पिता को घर से बाहर भगा देते हैं, वृद्धाश्रम में भगा देते हैं, मां छोड़ जाते हैं, वो माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, समाज की सेवा क्या कर पाएंगे? क्या क्रूतियां खत्म हो पाएंगे इसे? आज के समय पे क्या है कि रामायण को सब मानते हैं, रामायण की कोई नहीं मानता। आप बात समझिए, माँ बाप को सब मानते हैं, माँ बाप की कोई नहीं मान रहा। तो यही हमारे प्रचलन हो रहा है कि रावण के एक 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 कहते हैं एक नकारात्मक पहलू को, कि सीता का हरण, सीता का चुराना, इसलिए हम उनका दहन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके जो अच्छे कर्म हैं, आज जैसे सीता चुरा के दिखाए कोई, आज किसी लड़की का हरण हो, आज किसी महिला का हरण हो, और वो अपने यहाँ पर अशोक वाटिका जैसे स्वच्छ छवि के स्थान पर सम्मानित रूप से किसी महिला को रख करके दिखाए, जो रावण ने रखा था, जो कि आज के समय पर संभव भी नहीं है। आप देख रहे होंगे तमाम टेलीविजनों में देखते हैं, न्यूज चैनल पर देखते हैं, किस प्रकार के राक्षस भिन्न भिन्न आपके मोहल्ला पड़ोस में डूल रहे हैं, जो बहन बेटियों पर कैसी कैसी गलत नृत्य निगाहें डाल रहे हैं। आपने कल या परसों जो एक कृत्य हुआ है महापौर जी की कॉलोनी में भी, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी किस प्रकार के राक्षस रह रहे हैं। हम देखो रावण को राक्षस नहीं कह सकते, हम राक्षस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, रावण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि राक्षस जो कहते हैं ना घर घर में रावण बैठा, रावण नहीं बैठा है, घर घर में राक्षस बैठा हुआ है। राक्षस विद्वान होगा वो व्यक्ति, जब वो विद्वान होगा तो ऐसे कर्म नहीं कर पाएगा।
ठीक है ना, तृप्त नहीं करेगा, बेनिफिटी को अपना बेनिफिटी समझेगा वो, ऐसे तृप्त अनगिनत हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन ये खबरें चलती हैं सोशल मीडिया पर अखबारों में कि आज उसकी छेड़ी लड़की के साथ छेड़खानी हो गई, आज उस महिला के साथ हो गई। वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आए दिन इस प्रकार के रखते हैं, करते रहते हैं। इन कृतियों को अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो ये कृतियां बढ़ती जाएंगी और हमारी बहन बेटियां बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस कर पाएंगी। क्या नहीं, क्या कभी ऐसे लोगों का पुतला फूंका जिन्होंने बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की? क्या कभी ऐसे लोगों का किसी ने विरोध किया? एक निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, उसके बाद अभी एक कोलकाता में डॉक्टर के साथ कांड हुआ, आपका मणिपुर में कांड हुआ, राजस्थान में कांड हुआ, एमपी में कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, क्या इन लोगों के पुतले बनाकर जलाए? चलिए चलिए दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाथरस कांड पर कितना बड़ा बवाल हुआ था जी। आपने देखा कि तीन निर्दोष व्यक्ति जो युवक थे उनको फंसाया गया था जी, राजनीति की भेंट चढ़ाया गया था उन तीन युवकों को। बिल्कुल ना, मैं कहना चाह रहा हूँ कोर्ट ने भी उनको बरी किया है, क्योंकि उस समय उनके पास में उन्होंने दिखाया कि हम यहाँ पर थे, परंतु जो विपक्षी विद्रोही जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर आरोप लगाया गया है। अगर हम देखें तो एक अलवर में एक गूंगी बहरी बहन के साथ में वो गलत कृत्य किया गया, कितने नेता कितने प्रतिनिधि क्या उनको न्याय दिला पाए? क्या उसका पुतला फूंका जिसने ये कृत्य किया, उसका पुतला फूंका लोगों ने? क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ जिसने ये कृत्य किया क्या उसका पुतला फूंका गया? नहीं फूंका जाता, उसका नहीं फूंका जाता है, केवल राक्षसों का। मैं ये चीज कहूंगा कि आज के दिन रावण ना कह करके राक्षसों का पुतला फूंका जाए तो उसमें मैं सहमत हूँ। अगर मेरी सारे बलात्कारियों का, सारे बलात्कारियों का, सारे बलात्कारियों का पुतले फूंके, जो राक्षस है आज के टाइम पर, जो तमाम भेड़िया भेड़िया नरबक्षी जो हमारे मोहल्ला पड़ोस में डोल रहे हैं उनके नाम से पुतला फूंका जाए। यस यस, मेरा तो ये मानना है। हरियाणा जी आप क्या कहेंगे इसको? देखिए मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब रावण में वेद पुराण नीति दर्शन शास्त्र इंद्रजाल ये इतनी विद्याओं में पारंगत होने के बावजूद भी जब हम उनसे कोई सीख नहीं ले सकते, जब हम भगवान राम की बात को नहीं समझ सकते, भगवान राम ने भी मरते हुए समय अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा था कि जाइए और इनसे सीख लीजिए, तब उन्होंने जो पांच चीजें उनको वो सीखने के लिए कहा, निश्चित तौर पर हमको भगवान राम की बातों को तो मान लेना चाहिए। भगवान तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुपालन हम अपनी बातों को उनकी बातों को नहीं कर सकते तो हम वर्तमान में कहां जा रहे हैं? निश्चित तौर पर घर घर रावण पैदा हो रहे, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक बात कही है, अगर कोई भी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि अगर कोई बहन बेटी अगर किसी कोई इज्जत लूट रहा है या कोई इस प्रकार का कृत्य करता है, अगर वे अपने बचाव में उसको मार डाले सेल्फ डिफेंस में वो और उसका परिवार, तो अखिल भारत हिंदू महासभा उसका कोर्ट में मुकदमा लड़ेगी। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, और हम एक ही बात कहते हैं सनातन धर्म में एक ही चीज सिखाई गई है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सनातन धर्म को अपनाइए। निश्चित तौर पर हम सबके साथ खड़े हैं, जहां हमारी आवश्यकता हो हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कल हम, मैं तो फिर कहता हूं डीएम से सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में जहां भी मुहिम चलाने की आवश्यकता हो, कोर्ट में मुकदमे लड़ने की आवश्यकता हो, हम आपके साथ खड़े हैं।